जब से एनरोलमेंट आई है, जब से तैयारी कर रहे हैं, छुटपुट छुटपुट तैयारी कर रहे हैं। बाकी अच्छा, जो ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी चीज़ें जिसमें टाइम लगता है, वो उसके उसमें लिए टी शर्ट। और बैग में से क्या खजाना निकलता है देखिए, वो यहाँ से मान लो बेलगावी तक जाएंगे और वहाँ रुकेंगे, तब तक के लिए मोबाइल फ़ोन पास में रख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, मैं हूँ पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वीराज व्लॉग्स, और मेरे साथ में है एयरमैन जसवंत सिंह। तो ये अभी एयरफोर्स ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं बेलगावी बेंगलोर। तो उसके लिए जो हम लोगों ने अभी लगभग 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से रोज़ मार्केट जाते हैं, कुछ कुछ जो सामान खरीद के लाते हैं वहाँ से, जो भी ज़रूरी आइटम होते हैं, और कपड़े वगैरह को तो 10 से ज़्यादा दिन हो गए वो सिलने के लिए दिए थे, और भी डॉक्यूमेंट वगैरह। कितना टाइम मतलब लग गया था कुल मिला के ये सब तैयार करने में, कितना टाइम लगा था? मतलब जब से एनरोलमेंट आई है, जब से तैयारी कर रहे हैं, छुटपुट छुटपुट तैयारी कर रहे हैं। बाकी अच्छा, जो ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी चीज़ें जिसमें टाइम लगता है, वो उसकी तैयारी पहले से ही कर रखी है। हाँ डॉक्यूमेंट भाई, वगैरह जिसमें जो टाइम लगता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है उसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उससे पहले ही ले लिए थे। तो ये बैग है जो हम लोग उस दिन मैंने आपको बताया था, रिलायंस मार्ट गए थे, वहाँ से 2 बैग खरीद के लाए थे। एक ये बैग है, पिट्टू बैग ख़रीदा था, ये छोटा वाला, जो ये कंपनी है एरिस्टोक्रेट का है, और ये हमको मिला था वहाँ पे लगभग 1500 का था, ये हाँ 1500 का ये बैग था, 1500 रुपये का। बहुत बढ़िया दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बैग भाई, और क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। और एक और बैग ख़रीदा था ये वाला, वो पहले ट्रॉली बैग खरीदने वाले थे, लेकिन क्या हमको लगा कि भाई वहाँ पे मतलब ज़्यादा अगर इधर उधर उथल पुथल करनी पड़ती है, ट्रॉली बैग ज़्यादा वहाँ इतना वो कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो ये बैग ले लिया था। ये भी ट्रॉली है, इसमें भी यहाँ पे जो टायर वगैरह लगे हुए हैं, और बढ़िया क्वालिटी का बड़ा सा बैग ले लिया था। तो अब इस बैग के अंदर क्या क्या सामान है ये मेरा बतू भी। वो ये जो छोटा वाला बैग है ये तो अभी खाली है, लेकिन ये बैग बड़ा वाला पूरा भर दिया है एयरफोर्स ट्रेनिंग में जाने के लिए, जो भी ज़रूरी सामान होता है वो सब डाल दिया है। तो अब इसमें क्या क्या है सब दिखाओ, और एक एक करके जो भी आइटम इसके अंदर है जो आपने लिए है। तो इसके अंदर है जो ये बैग खुल चुका है, एक बार मतलब पैक कर दिया था, अभी जो दिखाने के लिए एक बार। ये क्या निकला है इसमें? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, डिक्शनरी है। अच्छा, डिक्शनरी है ये ऑक्सफोर्ड की। और उसके बाद में ये इंग्लिश की ग्रामर बुक्स में ये दो लिए मैंने साथ अच्छा, में। 2 बुक्स भी ले लिया आपने साथ में, क्यों बुक्स क्यों लिए? वहाँ पर ग्रामर के लिए मैं यही पढ़ता था पहले, तो इसके लिए ग्रामर करना थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा, तो मैं साथ में ले लिया। अच्छा, रिवीजन वगैरह करने के लिए, और वहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ता है ऐसा बोलते हैं, तो उसके लिए ये ले लिए साथ में। और एक ये है थैली, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मैंने रखे हैं 2 पेप्सोडेंट के टूथपेस्ट, 2 पेप्सोडेंट के टूथपेस्ट 2 ले लिए हैं, ताकि आराम से काम आ जाएंगे ये दोनों। और दो और मैंने टूथब्रश ले लिए हैं, 2 ले लिए टूथब्रश कोलगेट के, जिलेट गार्ड, ये ले लिया जिलेट गार्ड एक, और ये जिलेट गार्ड के साथ में और ले ली ब्लेड का पैकेट, और ये हैं शू पॉलिश करने वाला ब्रश है, ये दोनों साइड है, इधर भी छोटा सा है और इधर साइड भी ब्रश है ये। ये जो और क्या ये शू पॉलिश ब्लैक कलर का शू पॉलिश है, डेली पॉलिश करना पड़ेगा, ये पॉलिश है और ये ब्रश, ये काम आ जाएगा। ये जिलेट की क्रीम है, रोज़ सुबह उठो इसको मुंह पे लगाओ और फिर फटाफट शेविंग बना लो और भाग जाओ। कितने मिनट में बनानी पड़ेगी शेविंग? शायद 10 मिनट, 5 मिनट होंगे। 10 मिनट सिर्फ शेविंग की थोड़ी होंगी, शेविंग के 5 से 10, 5 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट में पूरा तैयार होना होता है। मतलब हम जाएंगे तभी पता चलेगा पूरा, तो पर फिर भी मतलब एक बात है कि वो मैंने सुना है कि भाई बहुत फटाफट करना पड़ता है हाँ, शेविंग वगैरह, ये जल्दी होता है ये, मतलब वो क्या कहते हैं वो होती है ना जनश्रुतियाँ, सुनी हमने बात ये। चलिए और जो सामान बताते हैं हम आपको, और ये नहीं तो वाइट कलर के शूज, ये गोल्ड स्टार के शूज है वाइट कलर के, ये क्या काम आएंगे? रनिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए। ये आप सब जानते हो गोल्ड स्टार कंपनी के आते हैं शूज, वाइट कलर में लिए, दिखने में बहुत तगड़े लगे थे भाई ये जूते। और ये ले लिए मैंने चप्पल, ये ले लिए चप्पल एक जोड़ी स्लीपर पहनने के लिए, अब रूम में बैठो या जब फ्री होंगे तब पहनने के लिए स्लीपर है जो वो काम आ जाएंगे। और ले उसके ले साथ में बेड सीट, बेड सीट का क्या करोगे? ना जो बेड सोने के लिए नहीं, वो देंगे नहीं वहाँ पे बेड सीट, मतलब ये बिस्तर वगैरह देंगे तो मतलब मैंने ये इसमें हंसने वाली क्या बात अगर है, सर्दी वगैरह होगी तो
ज्यादा अच्छा ओढ़ने के लिए भी काम आ जाएंगी और अच्छा ट्रेवल में भी काम आ जाएगी, मल्टीपर्पज यूज के हिसाब से ये ली है, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई क्यों क्या क्या काम आएगी, आपने क्या सोच के ये आइटम लिया? जो टी शर्ट है ये टी शर्ट लिया है बड़ा वाला है जो सर्दी के लिए लॉन्ग बाजू का है लंबी बाजू का, ये एक मैंने एनसीसी का टी शर्ट ले लिया, ये एनसीसी का टी शर्ट घर पे पड़ा था तो ये भी ले लिया साथ में स्पोर्ट्स के लिए टी शर्ट। और बैग में से क्या खजाना निकलता है देखिए, एक ये ब्लैक टी शर्ट ब्लैक कलर का टी शर्ट ये ले लिया एक, और मैं बताता हूँ और मैंने एक लॉकर ये एक ये ले लिया लॉक, बैग वगैरह के लगा देंगे या और भी कहीं ऐसा लॉक करने जैसा आइटम हुआ तो उसको लॉक करने के लिए, ये वाला लॉक लिया था स्टील का, और एक ये जो पीतल का लॉक आता है छोटा वाला ये भी ले लिया बैग लॉक करने के लिए। और आगे मैं ये ले लिया कुछ खाने पीने का आइटम, ये है प्रोटीन पाउडर आप देख सकते हैं फ्रेशोबिन का प्रोटीन पाउडर है जो दूध में मिला के पिया जाता है, और साथ साथ में ड्राई फ्रूट भी ले लिए, बादाम है ड्राई फ्रूट में बादाम एक ही लिया गया, काजू नहीं लिया, काजू भी साथ में काजू भी लिया, काजू और बादाम लिया ड्राई फ्रूट के लिए, और चार जोड़ी ले लिए वाइट सॉक्स, चार जोड़ी वाइट सॉक्स, सॉक्स बहुत ज़्यादा लेने का क्या कारण होता है? मतलब रनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी तो रनिंग में रनिंग के टाइम यही पहनने पड़ेंगे भाई, मान लो धोने वोने में कभी दिक्कत हो तो ऐसे एक्स्ट्रा काम आएंगे, धोने में दिक्कत हो या नहीं हो लेकिन मतलब जो भी चीज़ चाहिए वो साफ चाहिए एकदम साफ सुथरी एकदम क्लीन क्लीन चाहिए, मैला नहीं चाहिए, और वाइट कलर है तो भाई वाइट में मैल ज़्यादा भी लगता है। हाँ। तो तीन जोड़ी है जो वाइट सॉक्स ले लिए हैं, और सॉक्स लिए हैं फुल फुल सॉक्स जो लंबे आते हैं ना, यहाँ आप नहीं लिए जो अपन फैशन के लिए पहनते हैं वो नहीं लिए, फुल सॉक्स लिए। तो दो ले ली हैं लोअर इन्होंने, एक ब्लू कलर की और एक ये थोड़ा आर्मी की वर्दी का जैसे कलर होता है वैसे कलर की, और एक ये जो इन्होंने अभी जैकेट पहन रखा है ये भी अभी नया ही लिया है, ये भी ऐसे ही आर्मी जैसा कलर है इसका भी, और मैंने दो लिए हैं बेल्ट, दो ले लिए बेल्ट ब्लैक कलर के बढ़िया, कितने रुपये के मिले थे ये? ये मिल गए थे कितने, 180 में, 180 रुपये के दो बेल्ट ये लिए, और एक लिया मैंने टॉवल, एक लिया बहुत बड़ा टॉवल ब्लू कलर का एयरफोर्स कलर का। अच्छा ब्लू कलर लाने का कारण एयरफोर्स का ब्लू इसलिए लाए? हाँ। बढ़िया भाई अच्छा है, एयरफोर्स के जैसा ही कलर हो तो लॉक और निकल गया, इतना ताले किसके लगे हो गए, एक और लॉक निकला इसके अंदर छोटा सा बहुत छोटा, ये देखिए तुच्छू सा लॉक है, ठीक है कुल मिला के तीन लॉक। तो क्या कहते हैं सपोर्टर, एथलीट सपोर्टर हैं ये, इसको टाइटी भी बोलते हैं वो, भाई जब योग व्यायाम और जब हार्ड कसरत वगैरह करेंगे तो काम आएंगे। ये है एक स्वेयर टी शर्ट, ये स्वेयर टी शर्ट है थोड़ा विंटर में पहनने के लायक, थोड़ा मोटे कपड़े का है सर्दियों में काम आएगा, ठीक है इसको बाहर निकालो पूरा खाली करो इसको एक बार, सब दिखाओ इसके अंदर क्या है, कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। ये अंडर आर्म्स अंडरवियर्स और बनियान नहीं लिए, बनियान भी लिए। ये है ब्लैक कलर के सॉक्स, ये ब्लैक कलर के सॉक्स है तीन जोड़ी, तीन वाइट सॉक्स और तीन ब्लैक सॉक्स भी ले लिए साथ में, और ये क्या है? ये हेयर ऑयल है। अच्छा ये दोस्तों स्पेशल चीज़ है, इसके अंदर आप सोच रहे होंगे क्या है, ये सरसों का तेल है, सोच रहे हैं वहाँ पे कहीं नियर बाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए जो कच्ची घानी का आता है वो साथ में ले लिया, क्योंकि ये अपने बालों में यही लगाते सरसों वाला, शैम्पू की और ये शैम्पू की पाउच ले लिया लगभग काफ़ी सारी जो स्नान करने में काम आ जाएगी बाल धोने में। ये ले लिया है कांच, ये ले लिया है कांच मुंह देखने के लिए, ऐसे सुबह उठ के मुंह देख लेंगे इसके अंदर शेविंग वगैरह कर लेंगे, ठीक है। और ये भाई इसके ऊपर तो बहुत सारा लिखा हुआ है, और ये पुराना एक साइड से टूटा हुआ भी है, जैसे पढ़ाई करते वही है, जैसे पढ़ाई करते थे वही गत्ता है, टेस्ट वगैरह होंगे वहाँ पे क्लास वगैरह होगी तो उसमें काम आएगा। अब इसकी साइड की जेब में कुछ है क्या? ये कुछ निकला है भाई मैं बताता हूँ आपको, ये नेल कटर निकला है इसमें एक, तो नेल कटर है, नेल कटर है, और ये दो मास्क है, ये दो मास्क है N95 के वाइट कलर के ब्लैक कलर के मास्क, और उसके साथ में और कुछ छोटा मोटा है तो रहने दो कोई बात, इनो की पूड़ी है, इनो यानी जीव द्वारा वगैरह होगा कभी तो पीने के लिए काम आ जाएगा। और इसके अलावा भी हैं कुछ आइटम जो इधर पड़े मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस साइड में रखे हुए हैं, ये दोस्तों इसके अंदर है एक, मैं आपको थोड़ा सा खोल के भी दिखा देता हूँ, एक ड्रेस नई सिलवाई थी, नया कपड़ा लेके ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट, फॉर्मल ड्रेस है ये, फॉर्मल ड्रेस इसलिए सिलवाई है कि वहाँ एयरफोर्स में
जब क्लास वगैरह होती है और सेमिनार हो गया, जैसे कुछ भी ऑफिशियली जो काम होगा, तो उस टाइम ये फॉर्मल ड्रेस है सिलाई हुई वो पहनेंगे और ऊपर लगेंगे ये टाई। ये आज बांध के ट्रायल भी किया था इस टाई का, टाई और ड्रेस है ये पूरी ऑफिशियल के लिए। तो अब बाकी लोअर टी शर्ट वगैरह लिए और ड्रेस और नहीं लोगे, एक ही ड्रेस लोगे क्या? ये ड्रेस एक ही है, बाकी अगर जैसे अगर शरीर बॉडी फिट होती है तो वहाँ पर दूसरी सिलवा देंगे। अच्छा, इनका मानना ऐसा है कि अभी बॉडी फिटनेस वगैरह होती है कुछ तो और भी सिला देंगे। और एक ये है डॉक्यूमेंट फाइल, इस फाइल के अंदर जो भी सारे डॉक्यूमेंट जहाँ चाहिए वो ले लिए हैं, बाकी सब घर पे ही रख दिए। जो जरूर जरूर डॉक्यूमेंट है वो ले लिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने होते हैं वो अगर आपको देखना है तो उसके लिए भी एक वीडियो आएगा, वो आप देख लेना। और एक ले ली ये ब्लैक कलर की कैप है, ये ब्लैक कैप टोपी सर्दियों को पहनने के लिए। और ये भी साथ में ले जाओगे क्या? ये रजिस्टर, ये रजिस्टर है जो अपन लिखते हैं ना कोचिंग वगैरह हम जाते हैं, वो रजिस्टर साथ में ले लिया A4 साइज का। और ये पेंट साथ में ले रहे हो? एक ये जींस ले रहे हैं साथ में, जींस और टी शर्ट दो तीन है ही साथ में, ऊपर टी शर्ट डाल देंगे। और एक इनका ये टी शर्ट आप देख सकते हैं, ये बहुत लक्की टी शर्ट है, ये हर एग्ज़ाम में पहना गया है और इसको पहनने के बाद इनको एग्ज़ाम में सफलता मिल गई थी, तो इसको भी साथ में ले रहे हैं, है ना। और एक और गुप्त एक और है जो आइटम, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक डिब्बा है जिसके अंदर खाने पीने का आइटम है, भूख वूक लग जाएगी कभी इमरजेंसी में तो यहाँ पर ये घर से खाने के लिए ले जा रहे साथ में। और कुछ है बताने लायक? और कुछ ये है जिसमें मैंने, ये है एक थैली, स्टेपलर वगैरह, डायरी वगैरह जो, अच्छा स्टेपलर वगैरह आपने रखी है, सामान ये दिखाइए, दिखाइए एक बार इसको दिखाओ एक बार, इम्पोर्टेंट। ये एक है सीजर, कतरनी बोलते हैं जिसको अपने इधर देसी भाषा में। एक है डायरी जिसमें, ये एक छोटी सी डायरी है जो कभी नंबर वगैरह नोट करने के लिए, इम्पोर्टेंट जानकारी नोट करने के लिए काम आएगी। भाई इन्होंने है ना हर चीज़ को ऐसे कर दिया है पैक, कैंची है तो इसको पैक कर दिया, तेल था तो उसको देखो ऐसे रैप कर दिया, ऊपर टैप गड्डी लगा दी ताकि ट्रैवल के टाइम ये कुछ भी खुले नहीं, इधर उधर बिखरे नहीं। ये एक ले लिया इन्होंने टैप गड्डी, सेलो टैप होती है जो, ये ले लिया एक फेविस्टिक फ़ोटो वगैरह चिपकाने के लिए, और बस यही है। और कुछ पेन भी लिए साथ में, पेन है, पेंसिल है, रबर, स्टेपलर, ये स्टेपलर लिया पंच पिन लगाने के लिए, ये इस प्रकार के आइटम भी लिए। स्टेशनरी है, स्टेशनरी में आप समझ जाना, मतलब जो जो है वो सब ले लिए साथ में, पेन पेंसिल जो भी है। और कुछ और भी अभी बाकी है क्या लेना? बाकी मोबाइल फ़ोन साथ लेकर जाऊंगा। साथ लेकर जाओगे? वहाँ पे जमा करवा दूंगा। साथ लेके जाएंगे, वहाँ जमा हो जाएगा और वहाँ चलाने तो देते नहीं है मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ से मान लो बेलगावी तक जाएंगे और वहाँ रुकेंगे, तब तक के लिए मोबाइल फ़ोन पास में रख सकते हैं। तो दोस्तों यही सारा सामान जो था वो बेलगावी लेके जाएंगे साथ में। बाकी ट्रेवल के टाइम जो सर्दी पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं कंबल भी ले जाऊँगा। अच्छा, एक कंबल ले जाएंगे मोटी वाली, जो ट्रेन में ओढ़ने के लिए, वहाँ पर ओढ़ने के लिए वो दे देंगे ना एयरपोर्ट वाले? हाँ, वहाँ पे ओढ़ने के लिए वो दे देंगे, बाकी वहाँ पे सर्दी कम है। कम है? समुद्री तट के नज़दीक में जो राज्य है ना वहाँ पर सर्दी थोड़ी कम ही पड़ती है, वो गर्म रहते हैं। फिर भी वहाँ जो भी व्यवस्थाएँ हैं उन्होंने, एयरपोर्ट वालों ने ऐसे लिखा है कि आप हमारे तक पहुँचोगे तब तक आपको खुद ही आना है, जैसे ही आप एंटर हो जाओगे वहाँ पे और उनके साथ में, तो फिर आगे की सुविधाएं सब वो खुद देखेंगे, क्या कुछ करना है वो सब कर देंगे वहाँ। तो दोस्तों ये सब जो सामान था जो मैंने आपको दिखाया हम लोगों ने, और ये सब लेके जाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो, अगर जानकारी के लिए भी हो जाएगा ये और एक व्लॉग हो जाएगा, हमारी यादें हो जाएगी कि भाई हम लोगों ने जो जब ज्वाइनिंग के लिए गए तो क्या क्या सामान लेके गए। विशेष तौर पे तो ये हमारी यादों के लिए कर रहे हैं, यादों को सहेजने के लिए कर रहे हैं, दूसरी चीज़ आपके भी काफ़ी काम आएंगे। और ये जितना भी सामान है ना एयरपोर्ट ज्वाइनिंग के लिए लगा है, ये सब की मैं एक लिस्ट बनाऊँगा, हालांकि लिस्ट बना भी रखी है मैंने, ये लिख रखा है पूरा, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि भाई कौन कौन सा सामान क्या मात्रा में कैसा वहाँ पे चाहिए होता है। और दूसरी बात ये है कि जब ये भी वहाँ पे जाएंगे तो और भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी ना तो आपको तो एकदम 100% जो लिस्ट मिल जाएगी कि उसमें क्या कुछ है जो चाहिए होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे और भी एयरफोर्स से रिलेटेड काफ़ी वीडियो चैनल पे आ रखे हैं पहले से, और कुछ नए वीडियो भी आएंगे, तो उन सब देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपका प्यार है जो हमको देते रहना। और बाकी जसवंत सिंह जी अभी जा रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, तो इनके उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना जो
ओपिनियन है, और आप कुछ भी जो जानकारी चाहते हैं ना, अगर कुछ भी आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख देना, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बोलो जय हिंद, बोलो जय हिंद जय हिंद।